बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakdeal.com.pk। व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असलान है। जैसा कि आप जानते हैं कि पपाम्स का ऑटो शो जो है लास्ट ईयर हुआ था कराची के अंदर, इस साल जो चल रहा है वो अभी लाहौर के अंदर चल रहा है, लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर, जिसे बिहाइंड द कह सकते हैं एम्पोरियम मॉल के साथ है। जोहर टाउन के अंदर किसी ने अगर एम्पोरियम मॉल देखा हुआ तो उसी के साथ दो कदम के आगे पे ही जो है एक्सपो सेंटर लाहौर है, जो कि शौकत खाना मिशारे के स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लाइन में आपको लगता है। अगर इस एक्सपो सेंटर की अगर मैं डिटेल के अंदर जाऊँ तो पपाम जो है वो एक ऑटो शो हर साल ऑर्गेनाइज़ करता है, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल कंपनीज जो कि उस कंट्रीज़ के होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये ऑटो शो हो रहा है तो पपाम का जो अंडर जो भी आती है, जैसे कैटेगरी सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, अपकमिंग ऑटो मैनुफैक्चरर्स हैं, या कुछ ऐसी जो जिनको ग्रीन फ्लैगशिप या ब्राउन फ्लैगशिप मिल चुका है, वो अपनी गाड़ियाँ डिस्प्ले करते हैं। इसी के साथ जो है वो इसी के अंदर जो है मुख्तलिफ मोटरसाइकिल इंडस्ट्री से भी जिनका ताल्लुक है वो लोग भी अपना जो है इंटरेस्ट शो करते हैं, यहाँ पे अपनी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ या कौन कौन से बाइक जो है अपकमिंग आ रहे हैं, करंट चल रहे हैं या जिनका फ्यूचर मॉडल डिज़ाइन चल रहा है। इसी के साथ जो है वो टायर्स, पार्ट्स और इस तरह तमाम यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। चलते हैं इस वक्त जो है हम लोग गाड़ियों की तरफ। अगर गाड़ियों की तरफ बताऊं तो सबसे पहले जो है वो अगर सबसे पहले जो हॉट ट्रेंड टॉपिक के अंदर जाएं तो बीजिंग ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ है साजगर ऑटोमोबाइल रिक्शा मैन्युफैक्चरर के साथ, उसके अंदर जो है बाइक BAIC जो कंपनी नामी जो गाड़ियाँ हैं वो मुतारिफ़ करने जा रहे हैं, जिसके मुतालिक हमने पहले भी आपको बताया था कि बेग जो है या बाइक जो है या BAIC जो है BJ40 40L 40+, इसका रिव्यू भी मैंने आपको दिया हुआ। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा BJ40 के मुतालिक तो नीचे जो हमारी वीडियोस में जाके आप वो भी देख सकते हैं। BJ40L को जो डिस्प्ले किया गया जो कि फ़िलहाल जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, मगर अपकमिंग जो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि चाइना के अंदर अभी जो वायरस का इशू चल रहा है उसकी वजह से गाड़ियाँ इम्पोर्ट नहीं की जा सकती, ना ही इनको जो है पार्ट्स वगैरह इम्पोर्ट किए जा सकते, मगर इनको जो है फुली ऑप्शन है कि 100 यूनिट्स जो हैं वो अपने पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। अभी जो है 40L जो है वो इन्होंने जो है ओल्ड वेरिएंट जो है आपको दिखाया, जो कि आप पिक्चर्स में भी आप देख रहे होंगे, जबकि बाय द एंड ऑफ जून 2020 या जुलाई 2020 के अंदर इन्होंने गाड़ियां अपनी जो हैं वो फ़िलहाल CBU और CKD यूनिट दोनों के अंदर जो है आपको मुतारिफ़ कराने, उसकी बुकिंग होगी तब आपको गाड़ियाँ ऑन द रोड हिट करने की प्राइस मिलेगी। जहाँ तक BJ40+ की अगर मैं बात करूँ तो 2 लीटर इंजन के साथ आपको मिलता है जो टर्बो चार्ज होगा, और इसी के साथ जो है आपको इसके अंदर जो है फिलहाल मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑटो और मैनुअल मिलेगा, जो कि मैनुअल होगा वो डीजल के अंदर भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड होगा, मीन ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ गाड़ियाँ आपको जो है मार्केट में मुतारिफ़ होंगी। जब अगर नेक्स्ट चलें BAIC D20 की तरफ से, जो कि गाड़ियों की 1300 cc हैचबैक कैटेगरी के अंदर है और सेडान कैटेगरी दोनों के अंदर मुतारिफ होगी। अगर 1300 cc हैचबैक की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो सुजुकी कल्टस तक होगी, मीन जो है 20 लाख के स्टिल जो है अभी इसके जो रूमर्स हैं वो ये मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहे हैं कि 20 लाख तक की जो है इसकी प्राइस होगी, और जो इसके अंदर जितनी भी जो इसकी स्पेक्स हैं वो तकरीबन अभी आम कल्टस से बहुत ज़्यादा होगी। इसके मुतालिक रिव्यू या इसकी न्यूज़ जो है वो मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर दे दी हैं, अगर आपको देखनी है नीचे वीडियोज़ में जाएँ और इसकी गाड़ी का रिव्यू देख सकते हैं आप। अगर हम इसकी सेडान कैटेगरी की तरफ चलाएँ तो 1500 cc के अंदर आएगी, जो कि आपको जो है जिसकी कीमत 26 से 27 लाख से ऑनवर्ड होगी। मीन अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी ये टाइम आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो नई ऑटो इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, मगर काफ़ी सारी जो जा चुकी हैं उनका दुख हमें अभी भी है, मगर ये जो नई जितनी भी कंपनियां हैं इसके अंदर इंटरेस्ट हर किसी का अपना आता है कि चाइना की हैं। अक्सर लोग जो चाइनीज़ वेरिएंट को नहीं पसंद करते, कुछ लोग पसंद करते हैं, तो उस लिहाज से अभी जो है हमें इसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि कुछ लोग कुछ ना कुछ तो आ रहे हैं। इसी के बाद अगर हम इसी बैग कंपनी या साजगार ऑटो रिलेटेड से बात करें तो इसके अंदर जो एक नई जो इनकी गाड़ी है BAIC X25 होगी, जो कि 1500 cc इंजन के साथ हो रही है, और जो है ये गाड़ी तकरीबन जो इनके जो साजगार के साथ या जो इस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनमें से एक के पास जो है वो इनके पास गाड़ी चल भी रही है पिछले 1 साल, क्योंकि रोड टेस्ट मॉडल हो रहा है तो वो गाड़ी ऑन द रोड चला रहे हैं। बाय द एंड ऑफ 2020 जून जुलाई उम्मीद है कि इनके प्रोटोटाइप मॉडल या इनके लास्ट वेरियंट एज़ पर द डिस्प्ले दिखा दी जाएंगे, उनमें से दो जो गाड़ियाँ होंगी जिसमें BJ40 और इसके बाद जो D20 जो है वो ऑन द रोड कस्टमर के लिए जो है बुकिंग वॉकिंग काउंटर शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोन की तरफ। प्रोटोन जो है X70 SUV, जो कि हमने पहले भी आपको बताया कि महातीर मोहम्मद और इमरान खान के अंदर MOU साइन हुआ, उसके बाद महातीर मोहम्मद साहब ने जो है इमरान खान को जो है एक गाड़ी भी प्रोवाइड किया एज अ गिफ्ट, और इसके साथ जो है ये गाड़ियाँ जो हैं इस साल के एंड नहीं तो नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है गाड़ियाँ ऑन रोड हिट करने जा रही हैं, और ये गाड़ियाँ जो है ऑन रोड टेस्ट मॉडलिंग के साथ चल रही हैं। जो कंपनी है वो इनका जो मेन जो है वो दो गाड़ियाँ पाकिस्तान में लॉन्च करने का इरादा है, सबसे पहले प्रोटोन X70 SUV
उसी के बाद जो प्रोटोन सागर 1.3 लीटर इंजन के साथ जो होगी सिडान कैटेगरी, वो गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर हम इसे आगे स्टेप फॉरवर्ड करें तो होंडा की तरफ, होंडा ने जो है वो होंडा सिविक RS टर्बो वेरिएंट जो है वो अपना डिस्प्ले किया था। उसी के बाद जो है वो होंडा BRV अब फेसलिफ्ट डिस्प्ले किया था, इसके अलावा उनका कोई और प्रोडक्ट नहीं था। इस चीज़ से एक चीज़ ये साबित होती है कि होंडा एक तो नई गाड़ी कोई अभी फिलहाल नहीं ला रहा, और अगर जो होंडा सिटी की बात करें तो होंडा सिटी का भी जो है कोई नया फेसलिफ्ट ही समझे आने वाला है, हमारे पास जो है वो नई शेप नहीं आने वाली। चलें एक और लॉलीपॉप मिलेगा, कहीं ग्रिल चेंज होगी या एंटीने का शार्क नहीं तो बुल एंटीना आ जाएगा, या तो कोई जो है वो कुछ और ही आप समझ लें ना, उसमें आपको एयरबैग्स मिल रहे हैं ना रिट्रैक्टेबल मिरर मिल रहे हैं और ना ही जो है उसके अंदर कोई अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं, शायद हमारे हक में यही बेहतर है। अगर हम होंडाई की तरफ चले तो होंडाई के अंदर जो है उन्होंने अपनी जो दो तीन गाड़ियाँ नई जो डिस्प्ले की थी, जिसके अंदर आयोनिक का रिव्यू भी मैंने आपको दिया था, जिसके अंदर कुछ अर्सा पहले ही बुकिंग ओपन शुरू किया और कस्टमर के लिए सेल शुरू की, जिसकी प्राइस जो है वो 64 लाख रुपये रखी है 1.6 लीटर इंजन के साथ होगी जो कि हाइब्रिड है। उसी के बाद जो इन्होंने ग्रैंड स्टारेक्स जो है वो भी डिस्प्ले के लिए दिखाई है, जो कि 11 सीटर गाड़ी है, जिसके अंदर सीटिंग जो रियर है वो रिक्लाइनिंग के साथ मूवेबल ट्रांसफर्ड है। और अगर उसके बाद चले तो होंडाई की जो एक और नया प्रोडक्ट आया इलांट्रा, जो कि अभी जो है इनका अभी कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान के अंदर ये कितने तक, क्योंकि बट ऑन द रोड टेस्ट मॉडल जो है 3-4 पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिससे अगर प्राइस की अगर एस्टिमेशन लगाए तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कम से कम वो near to 1 करोड़ है उसकी प्राइस। इसी के साथ जो है होंडाई ने एक नया प्रोडक्ट जो है अपने डिस्प्ले किया, होंडाई टस्कन, उसको लोग मुख्तलिफ नाम से जानते हैं, बट होंडाई टस्कन जो है बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जिसकी जो स्पेसिफिकेशन देखी जाए या रिजेंबलेंस देखी जाए तो वो किया स्पोर्टेज है, और जहाँ तक प्राइस का ताल्लुक है वो भी फिलहाल यही सोचा जा सकता है कि वो किया स्पोर्टेज इतनी ही होगी, बट अभी जो है वो उसको जस्ट डिस्प्ले किया गया। और काफ़ी अर्सा पहले भी हमने अपने ब्लॉग अपनी वीडियोस में यही बताया था कि जो ये होंडा टस्कन जो है इसके जो ऑन रोड टेस्ट मॉडल के लिए दिखा दी गई है। बाकी अगर हम चलें कि अगर के इस ऑटो शो के अंदर अगर जो है वो रिनॉल्ट का स्टॉल नहीं था या बॉगवार्ड का नहीं था या और जो कंपनियां जिनकी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर ऑन रोड चल रही हैं, तो फिलहाल जो है जहाँ तक ये लग रहा है कि वो पहले के ही रोड टेस्ट मॉडल हैं, जब उनको रोड टेस्ट किया जा रहा था कि अगर वो कामयाब हुई तो उनके जो हैं वो गाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो है मुतारिफ़ करा दी जाएंगी, तो फिलहाल उनका समझें कि वो रोल बैक कर ही चुकी हैं, तो उसके लिए जो है हमारे वो जो ख्वाब थे जो लोग कह रहे थे कि ये आएगी ये प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो नहीं थे। जहाँ तक अगर मैं इस ऑटो शो में देखूँ तो जो मुझे कुछ ऐसे कंपनियों की जो है वो गैर मौजूदगी या अदम मौजूदगी भी लगी है, जिसके अंदर जो है वो गंधारा निशान का जो था, उसके अलावा जो है फा का भी आपको स्टॉल नहीं नज़र आया होगा, इसके अंदर मास्टर मोटर्स का भी नहीं था स्टॉल, यानी काफ़ी सारे ऐसे भी कुछ स्टॉल था जिनकी जो है लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि वो क्या क्या अपनी जो है वो काम करते हैं और उसके अंदर जो है वो क्या क्या अपनी जो है वो सब कंपोनेंट्स को हायर कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें जो है कुछ लोगों को पता होती हैं बट पूरी पब्लिक को नहीं पता होती। मेरा उनसे यही दरख्वास्त है कि आइंदा आने वाले ऑटो शो के अंदर अपनी तमाम जो है ये चीज़ें उनके साथ डिस्प्ले करें, ऑटो इंडस्ट्री के साथ पूरा भरपूर जो है वो हिस्सा लें। जहाँ तक अगर हम सुजुकी की बात करें तो सुजुकी के अंदर भी वही आल्टो, सुजुकी जिमनी, सुजुकी वैगनार और इस तरह की गाड़ियाँ जो है वही उन्होंने डिस्प्ले की, यानी कि उनके पास भी कोई नया ऐसा कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट नहीं है कि वो मार्केट के अंदर डिस्प्ले करें या कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर नहीं आने जा रही। तो अभी बस ये था पाकिस्तान ऑटो शो 2020 जो कि लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर हुआ। अगर आपको इसके न्यूज़ और इसके तमाम रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं जो मैंने की फीचर्स आपके साथ डिस्कस किया, अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पार्क डील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।